तृतीय वर्ष के सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, मैंने पूर्व में जो वीडियो बनाया था उसमें राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं और उनके तत्वों के बारे में बताया था। आज मैं आपको राष्ट्रीय शक्ति की सीमाओं के बारे में बताऊंगी। राष्ट्रीय शक्ति की जब हम बात करते हैं तो पहले ये पूर्व वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय शक्ति किसे कहते हैं। बच्चों, राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होता है जिसके चारों तरफ उसकी विदेश नीति के विभिन्न पहलू जो है वो चक्कर काटते रहते हैं। राष्ट्रीय शक्ति वह राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। वह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप कोई भी कार्य करा लेता है। इसके अलावा बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन कौन से हैं, जैसे विचारधारा है, भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, नेतृत्व है, तकनीक, राष्ट्रीय मनोबल, राष्ट्रीय चरित्र, कूटनीति, जनसंख्या, औद्योगिक क्षमता, सैनिक शक्ति आदि। ये जो तत्व है वो सामूहिक रूप से राष्ट्रीय शक्ति का विकास करते हैं। ये तत्व अपने आप में कोई शक्ति नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के द्वारा उनके उचित प्रयोग पर निर्भर करता है। इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण किया जाता है इन तत्वों के द्वारा। आज मैं आपको राष्ट्रीय शक्ति की सीमाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। राष्ट्रीय शक्ति का कानूनी आधार जो है वो राष्ट्रीय राज्यों की संप्रभुता है। इसमें प्रत्येक राज्य को अपने हितों की सुरक्षा के लिए शक्ति के प्रयोग का अधिकार मिल जाता है, परंतु जब राष्ट्र असीमित शक्ति का प्रयोग करने लग जाते हैं तो बच्चों अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अव्यवस्था फैल जाती है और युद्ध भी छिड़ सकता है। इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए राष्ट्रीय शक्ति पर कुछ सीमाएं लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। हम इन सीमाओं को किस किस रूप में लगा सकते हैं इसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। सबसे पहला है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन का मतलब ये है कि कुछ देश मिलकर दूसरे शक्ति संपन्न देश अथवा देशों के समक्ष संगठित होते हैं। ये प्रमुख कर्ता यानी देश अपनी शक्ति संबंधों में एक विशेष संतुलन बनाए रखते हैं जिसे युद्ध से बचा जा सकता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक ऐसी व्यवस्था है, इसके नियमों को राष्ट्र राज्य सरकारों ने स्वीकार किया है और इसे मानने के लिए बाध्य भी है। इसी से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनका व्यवहार नियंत्रित होता है। इस कानून का मुख्य आधार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और विश्व जनमत है। इसका उल्लंघन करने वाले राज्यों के विरुद्ध प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता जो है वो व्यवहार करने की एक ऐसी नैतिक संहिता के समान होती है जिसका पालन प्राय सभी देश करते हैं। यह नैतिक भावना प्रत्येक देश की राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करती है। विश्व जनमत जो है वो भी राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करता है, उसको लिमिट सीमित करता है। विश्व जनमत का आजकल बहुत महत्व बढ़ रहा है। वर्तमान में शस्त्र नियंत्रण है, निशस्त्रीकरण की मांग के पीछे जो विश्व जनमत है, इसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ को शक्ति संधि करनी पड़ी। पर्यावरण सुरक्षा, शांति आंदोलन, परमाणु शस्त्रों का नियंत्रण आदि के लिए विश्व जनमत उठने लगा है, जिससे सरकारों की शक्तियों पर भी सीमा लगी है। जब हम सामूहिक सुरक्षा की बात करते हैं तो सामूहिक सुरक्षा जो सिद्धांत जो है वो भी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करता है। सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के उद्देश्यों के सिद्धांत पर आधारित होता है। शांति और सुरक्षा सभी राष्ट्रों की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था है जो उन राज्यों के प्रतिरोध जो शांति और सुरक्षा के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं से भी क्रियान्वित होता है। इस प्रकार जो देश किसी अन्य देश की प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता या क्षेत्रीय अखंडता की अवमानना करता है वह अपने बल प्रयोग को हर तरह से नियंत्रित करता है। उसकी कार्यवाही का सभी राज्य सामूहिक रूप से विरोध करते हैं। निशस्त्र नियंत्रण या निशस्त्रीकरण जो है वो भी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने का काम करते हैं। निशस्त्रीकरण का अर्थ बच्चों आप जानते ही हो कि अब तक जमा किए गए शस्त्रों को लिमिट करना या शस्त्रों को नष्ट करना।
और शस्त्र नियंत्रण का अर्थ होता है शस्त्र दौड़ यानी शस्त्र निर्माण प्रतियोगिता पर अंकुश लगाना। यह दोनों इस विश्वास से संचालित होता है कि सैनिक शक्ति और शस्त्रों को कम करने से राज्य की जो है अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय शक्ति जो है वो भी सीमित होगी। यानी कि ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, शक्ति संतुलन, निशस्त्रीकरण या शस्त्र नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता है, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है और विश्व जनमत है, ये सारे के सारे राष्ट्रीय शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने का काम करते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आजकल बच्चों राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। एक समय अपने राजनीतिक कौशल के कारण फ्रांस, नौसेना की गुणवत्ता के कारण ब्रिटेन, साम्यवादी विचारधारा के कारण सोवियत संघ बहुत बड़ी शक्ति रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी हमने देखा कि सोवियत संघ और अमेरिका एक महाशक्ति रहे। शीत युद्ध काल में संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ जो है विश्व की बहुत बड़ी प्रबलतम शक्तियां कहलाती थी, किंतु 1990 में या 1990 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो ऐसा लगा कि दुनिया एक ध्रुवीय विश्व की ओर उन्मुख हो रही है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर केवल एक ही महाशक्ति रह गई थी जिसको कि हम अमेरिका कहते हैं। लेकिन भूमंडलीकरण और सूचना तकनीकी क्रांति के बाद राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप में भी परिवर्तन आ रहा है। 21वीं सदी में वही देश शक्तिशाली होगा जिसका पलड़ा व्यापार, वाणिज्य, सूचना और तकनीकी क्रांति की दृष्टि से भारी होगा। आधुनिक प्रवृत्ति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को शक्ति के आधार पर समझने की है। धन्यवाद बच्चों।